गया जिले से खबर निकल के आई है सामने, जहां गया जिले में पुलिस पर आरोप लगा है। गया जिले के कोतवाली थाना के पुलिस पर बड़ा आरोप लगा है। बताते चले कि मामला एक आभूषण कारोबारी से जुड़ा हुआ है। आभूषण कारोबारी से घूस मांगा गया, घूस नहीं देने पर आभूषण कारोबारी के साथ जो है गाली गलौज किया गया है। वहीं आभूषण कारोबारी को जो है पीटा भी गया है। बता दे आपको कि वहीं रुपए जो मांगने की बातें हैं वो सामने निकल के आ रही है। कहा जा रहा है कि जो पुलिस है कोतवाली थाना के, उन्होंने पैसा मांगा है आभूषण कारोबारी से। वहीं कहा है कि अगर नहीं दीजिएगा तो कार्रवाई नहीं करेंगे और उसके बाद आपके परिवार को मुकदमा दायर कर जेल में डाल देंगे। तो बता दें आपको कि गया जिले से सामने खबर निकल के आया, जहां SSP को अमित कुमार नामक आभूषण कारोबारी ने जो बातें है वो बताई है। वहीं जो लेटर है वो लिखा है उन्होंने। तो वहीं बता दे आपको कि कोतवाली थाना अंतर्गत गोरिया मठ रमना रोड का ये खबर है। वहीं अमित कुमार ने इस मामले को लेकर तमाम बातें कही है। वहीं गया SSP हरप्रीत कौर को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या कुछ कह रहे अमित कुमार वो सुने आप लोग। करते हैं और कब क्या घटना घटी थी? मैं अमित कुमार हूं, ज्वेलर्स का प्रोप्राइटर हूं। मेरा दुकान परलीमा रोड में है, मैं स्वयं व्यवसायी हूं। कब क्या घटना हो गई थी? 22 तारीख को मेरे साथ मुर्दा गली में राजू कुमार और उनके परिवार के सदस्यों ने, भाई पिता और उसके स्टाफ अमर कुमार ने और भी अज्ञात 6-7 लोगों ने मेरे साथ मेरा माल छीना। कितने वैल्यू का माल था? करीब 33 लाख रुपए का था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने जबरन मुझे अपने दुकान पर बैठाए रखा। फिर क्या हुआ? जबरन बैठा रखना, ना मेरे पास फ़ोन था ना कुछ था कि मैं अपने परिवार को भी सूचित कर सकूं कि ऐसा घटना हुआ। और वो घटना करने के बाद उस दुकान से फरार हो गए, वो खुद भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अपराधी प्रवृत्ति के हैं जो? हाँ, अपराधी प्रवृत्ति के हैं और ये रेकी करके मेरे साथ घटना का अंजाम दिया गया है। इसके बाद कहाँ पे क्या हुआ? इसके बाद एक वहीं पर के मोहन जी दुकानदार हैं, वो आए, उनसे फ़ोन लेकर मैंने अपने भाई को सूचना दिया। भाई आए, हमको मोबाइल दिए, सारा सूचना दिए। उसके बाद मेरी पत्नी आवेदन लेकर थाना कोतवाली में KK कलेजा जी को आवेदन देने के लिए गए। आगे तो फिर क्या हुआ? थाना को FIR दर्ज नहीं किया, हमको माल पैसा लेकर एवज में हमको माल वापस हमको बराबर। थाना प्रभारी के यहाँ आवेदन आप दिए थे कि आपकी बीवी देने गई थी? शिल्पा गुप्ता देने गई थी। बताइए तो क्या घटना क्या हुई? आप देने गए थे, आगे क्या बात हुई? आगे बात हुई तो हमको फिर सामने पुलिस द्वारा बरामद किया गया। बरामद करके हमको थाना ले जाया गया राजू जी के साथ, और फिर हमें माल रिकवर करके हमको मेरे हाथ में सपोर्ट कर दिया गया। फिर कल क्या रवैया रहा थाना प्रभारी का? थाना प्रभारी का क्या रवैया रहा? बहुत ही ढुलमु तरीके से, असंवैधानिक। केस लिए कि क्या किया? नहीं, केस नहीं लिए सर। उसके साथ कल क्या घटना क्या हुआ? और उसके बाद क्या हुआ कि मैं हमसे जबरन लिखवाया गया कि 2 तारीख तक आप 10 लाख रुपए इसको देंगे। किसको देने के लिए? राजू कुमार को। कौन है राजू कुमार? राजू कुमार वही अपराधी प्रवृत्ति जिसने माल मेरा छीना। थाना प्रभारी को भी पैसा दिए थे? प्रभारी को पैसा दिए। कितना पैसा दिए थे? उस दिन 60,000, बाद में 1,40,000। किस काम के लिए? कि मेरा माल हमको दे दीजिए। पैसा देने के बाद माल बरामद हुआ? माल बिना, आप ऐसी समझिए सर, बिना 30 लाख का माल का कोई FIR नहीं हुआ, हमको माल सुपुर्द कर दिया गया। अगले को बचाने के लिए हम उस पे FIR नहीं किया, हमको माल हमको बरामद करके। FIR करने के लिए आप बोले थे? हाँ, FIR करके हमने बोले थे। FIR करने के लिए क्या शर्त रखे? तो आपने सुना, अमित कुमार ने कोतवाली थाना के अधिकारियों पर आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने साफ कहा है कि हमसे पैसा मांगा गया, वहीं हमारे पत्नी से जेवरात छीन लिए गए थे, और वहीं पुलिस से जब हम कार्रवाई करने की बात कहें तो पुलिस ने हमसे पैसा मांगा और पैसा नहीं देने पर हमसे मारपीट किए। तो वहीं बता दें आपको कि अमित कुमार ने SSP से जो है गुहार लगाई है, वहीं कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं 2 दिनों में होने वाले जांच रिपोर्ट का इंतजार है और वहीं फिलहाल लगातार जांच किया जा रहा है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिल्पा गुप्ता ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन ले। जब हम लोग का जब सामान छीन लिया गया, तब हम लोग को जब सूचना मिला कि सामान छीन लिया गया है, तो फिर हम गए थाना, वहां पे एप्लीकेशन लिख करके दिए, तो उस एप्लीकेशन लिख करके दिए। उसके बाद हम लोग ऊपर वाला रूम में ले जा करके बातचीत किया गया, उसके बाद पैसा मांगा गया। फिर हम लोग जब पैसा दिए, उसके बाद फिर शाम को पैसा मांगा गया। किनके द्वारा पैसा मांगा गया था? एक हम लोग के साथ थे ऋषि लोहानी जी, तो वही सब देख रहे थे।
तो वही जाके बात किए और फिर 60,000 रुपया, उस समय हम लोग के पास पैसा भी नहीं था, फिर मांग करके कहीं से इंतजाम करके हम लोग पैसा दिए उसको 60,000 रुपया। फिर तब वो फिर गाड़ी भेजकर वो जो आदमी चोरी किया था उसको और इनको साथ में लेकर के आया। और उसके बाद ऐसा व्यवहार मतलब इनसे किया जा रहा है जैसे कि गुना इन्हीं का है। पैसा का कौन मांग किया था, किनके द्वारा मांगा था, किनको दिया था? थाना जो वहाँ पुलिस था, थाना प्रभारी, वो पैसा मांगे, ऊपर कमरा में ले जाके बात किए, वहाँ पे पैसा मांगे, वहाँ पैसा दिया गया। कितने का डिमांड किया गया था? 2,00,000 रुपए का डिमांड किया गया था। तो उस समय हम लोग के पास उतना पैसा नहीं था, 60,000 का इंतजाम हो पाया तो 60,000 रुपए हम लोग वहाँ पे दिए उस समय उनको। उसके बाद फिर शाम में माल दे दिया गया और एक कागज पर लिखवाया गया कि 10,00,000 रुपया जो छीना है उसको देना है हम लोग को, उसके एवज में हम लोग को माल दिया जा रहा है 30,00,000 का। कल क्या घटना हुई है? तो कल शाम में फोन आया तो ये गए, तो वहाँ पे इनके साथ बदसलूकी किया गया, वहाँ पे ले जा करके मारपीट किया गया और जबरन लिखवाया जा बोल रहा था कि लिखो गन पॉइंट पर कि 25,00,000 रुपए हम तुमको देंगे। किनके द्वारा मारपीट किया गया था इनको? थाना प्रभारी जो है वो खुद। आप क्या कीजिए, अब क्या चाहती हैं, कहा जाइएगा। हम लोग को इंसाफ चाहिए, जब पुलिस ही इस तरह का काम करेगी तो फिर हम लोग इंसाफ के लिए किसके पास जाएंगे? क्या मांग करेंगे उच्च अधिकारी से आप? हम लोग को इंसाफ चाहिए, उस जो थाना प्रभारी है उसके खिलाफ हम लोग को, जो हम लोग के साथ बदसलूकी हुआ है उसका हम लोग को इंसाफ चाहिए। जो हम लोग का सामान माल डकैती किया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस, क्यों नहीं की? जबकि हम खुद सीसीटीवी कैमरा का जिक्र उस आवेदन में किए हैं कि उस गली में सीसीटीवी कैमरा है, उसमें देखा जाए कि क्या हुआ है, लेकिन पुलिस के तरफ से कोई मतलब सहयोग नहीं दिया गया, कोई सीसीटीवी का जांच नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ पुलिस के तरफ से। केस भी दर्ज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ पुलिस पुलिस उस जो ये वारदात को अंजाम दे रहा है पुलिस उसके साथ मिली हुई है, इसीलिए केस नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया पुलिस की तरफ से। ठीक है, परिचय। हाँ, और पैसा अब आज फिर बुलाया गया है। अपना नाम बताइए। आज किस लिए बुलाया गया? आज स्टाम्प पेपर लेकर शाम में, कल तो नहीं लिखवा पाया तो आज फिर स्टाम्प पेपर लेके पुलिस फिर आज शाम में बुलाया है। पर्चे बताइए अपना। पैसा 25,00,000 रुपया लिखवाने के लिए पर्चे अपना लिए पैसा मांगा है? हाँ, पैसा मांग कितना? नहीं, पैसा मांगा है, वो पुलिस मांग रहा है पैसा 25,00,000 रुपए लिखवाने के लिए, वो बोला स्टाम्प पेपर लेकर आज आने के लिए। तो हम लोग अब किसके पास जाए, जब पुलिस ही ऐसा काम करेगी तो हम लोग कहाँ जाए, किससे? परिचय बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिल्पा गुप्ता। तो आपने सुना तमाम लोगों की बातें, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।